बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन इकराम, आप तमाम अहबाब को अपने यूट्यूब चैनल ज़िया न्यूज़ पर खुशामदीद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब बिल्कुल खैर खैरियत से और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। भारत की तरफ से छोड़े गए पानी की वजह से पाकिस्तान के अंदर कई इलाके तबाह हो चुके हैं, कई इलाके ज़ेर आब हैं। नाज़रीन इकराम, तफसील जानने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपको बताते चलें कि भारत से दरियाए रावी में छोड़े गए रेले के बाद लाहौर में शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव बढ़कर 30,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। मजीद तुगयानी से लाहौर के मजाफाती इलाकों के डूबने का खदशा है। ज़राए के मुताबिक दरियाए रावी किनारे आबाद कुछ खानदान अपने पालतू जानवरों समेत महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए हैं। रेला पहुंचने के बाद सिविल डिफेंस और जिला इंतजामिया का अमला रात से दरियाए रावी के किनारे तैनात कर दिया गया। नाला डीग के सैलाबी रेले से नारोवाल, सियालकोट और गुजरांवाला के कई देहात जेरे आब हैं। जमीनी राबता अब भी मुनकता के मकामी आबादी मासूर होकर रह गई है और दूसरी जानब सैकड़ों एकड़ पर काश्त की गई धान की फसल तबाह हो गई है। जंग में भी सूरत हाल अबतर है, पानी में डूबे जानवर बीमार होने लगे हैं। मुतासरीन अमदाद न मिलने का शिकवा करते हुए कहते हैं कि जानवर बीमार हो रहे हैं लेकिन कोई इमदाद नहीं मिल रही। नाज़रीन इकराम, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर।